अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी अच्छी बात कहने जा रहा हूँ और दिल की बात है मेरे अजीजों। आज हम नमाज जब पढ़ते हैं तो नमाज से पहले हम वजू करते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं और अपने आप को पाक साफ करके हम नमाज अदा करने के लिए जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जिस वजू को हमने किया है नमाज के लिए, उस वजू से पहले एक वजू और है। नमाज पढ़ने से पहले हम सोचें कि कहीं हमारे दिल के अंदर किसी के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं है, कहीं हमारे दिल के अंदर कोई जंग तो नहीं लगा हुआ है, कहीं हमारे दिल के अंदर किसी के लिए कोई तकलीफ तो नहीं है, कहीं हमारे दिल के अंदर किसी के लिए हसद तो नहीं है। आज लोग भाई भाई से लड़ते हैं, भाई भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, दिलों के अंदर कुदूरत है, दिलों के अंदर फतूर है, नीयतें ठीक नहीं है। और हम नमाज अदा करने के लिए जब वजू करते हैं, हाथ पैर हमने तो धुल लिया, लेकिन याद रखिए, क्या हकीकतन वो हमारी नमाज काबिले कबूल होगी? दिलों के अंदर आज भेदभाव है, दिलों के अंदर भाई के लिए दुश्मनी है, हम भाई को सलाम करना पसंद नहीं करते, अपने सगे भाई को, हकीकी भाई को, जिन्होंने एक ही माँ का दूध पिया है और एक ही पेट में पले हैं, आज हम उस भाई को सलाम नहीं करते हैं। उस भाई को जब देखते हैं तो नजरें झुका लेते हैं, माथे पर बल पड़ जाते हैं। क्या दोस्तों, जब हम नमाज के लिए सजदे में जाते हैं तो क्या वो हमारी सजदा काबिले कबूल है? क्या हमारा वो रुकू काबिले कबूल है? क्या हमारी दुआ कबूल होगी? क्या हमारी नमाज कबूल होगी? वजू जो करते हो, अपने आजा को धुलते हो, हाथ को धुलते हो, चेहरे को धुलते हो, इन तमाम चीजों से पहले अपने दिल की सफाई करो, अपने दिल को धुलो, नीयत को साफ करो, एक दूसरे के लिए मोहब्बत का जरिया बनो, एक दूसरे के लिए मोहब्बत का वसीला बनो, ना कि नफरत का जरिया बनो। प्यार से रहो, प्यार बांटो, यही इस्लाम का पैगाम है। अस्सलाम वालेकुम।